और दिल्ली एयरपोर्ट पर खराब हुआ मौसम, जिस वजह से दिल्ली में विमानों की लैंडिंग में देरी होने से फ्लाइट्स को डाइवर्ट करवाया गया। जानकारी दें, सुबह 4 बजे से अब तक 5 फ्लाइट को डाइवर्ट कर जयपुर पहुंचाया गया है। इंडिगो की पुणे से दिल्ली आ रही थी फ्लाइट, जिसको की डाइवर्ट कराया गया है। एयर अरबिया की शारजाह से दिल्ली फ्लाइट आ रही थी, तो वही एयर इंडिया की गोवा से दिल्ली फ्लाइट आ रही थी। गोफर्स्ट की पुणे से दिल्ली फ्लाइट आ रही थी, तो वही इंडिगो की चेन्नई से फ्लाइट दिल्ली आ रही थी। और ऐसे के अंदर खराब मौसम की वजह से इन 5 ही फ्लाइट्स को डाइवर्ट करवाया गया और दिल्ली लाए जयपुर उनको डाइवर्ट करवाया गया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी काशीराम जुड़ चुके हैं। काशीराम, क्या कुछ जानकारी? जी ऐसी, ये जो फ्लाइट है तड़के सुबह आज डाइवर्ट हुई है, जो कि दिल्ली एयरपोर्ट पर मौसम खराब था और इस दौरान दिल्ली एयरपोर्ट पर दृश्यता कम हुई, धूल भरा आंधी भरा माहौल था और उसके चलते फ्लाइट को वहां पर लैंड कराने में काफी देरी हो रही थी। तो कुछ फ्लाइट्स को अलग अलग एयरपोर्ट के लिए डाइवर्ट किया गया, जिनमें से कि 5 फ्लाइट डाइवर्ट होकर जयपुर पहुंचे हैं और इसके अलावा कुछ फ्लाइट को लखनऊ, अमृतसर आदि एयरपोर्ट पर भी भेजा गया है। जो जयपुर फ्लाइट आई है, इनमें एक इंटरनेशनल फ्लाइट है एयर अरबिया की, जो कि शारजाह से और दिल्ली जा रही थी, G9463, और इसके अलावा 4 डोमेस्टिक फ्लाइट है जो की अलग अलग शहरों से दिल्ली के लिए जा रही थी। इनमें इंडिगो की फ्लाइट है पुणे से दिल्ली 6681 और इंडिगो की चेन्नई से दिल्ली फ्लाइट है 6282 और इसके अलावा एक गोफर्स्ट की फ्लाइट है G8172 और एक एयर इंडिया की फ्लाइट है जो कि गोवा से दिल्ली जा रही थी AI-884। तो अब जो सभी फ्लाइट हैं एक एक करके वापस दिल्ली जा रही हैं। सुबह 4 बजे से फ्लाइट डाइवर्ट होना शुरू हुई थी, जो कि सुबह 5:15 बजे तक पहुंची है जयपुर और इसके बाद अभी वापस जाना शुरू हो गई। जी काशीराम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।